जय हिंद। हाल ही में FATF के बैठक में इस बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये FATF क्या है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। FATF को वित्तीय कार्रवाई कार्यदल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक अंतर सरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से संबंधित नीतियाँ बनाने के लिए सन 1989 में स्थापित की गई थी। सन 2001 में इसका कार्य क्षेत्र विस्तारित किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में है। तस्वीर में आप FATF के बैठक को देख पा रहे होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बीच अपने क्षेत्र में रहने वाले संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के बारे में कम चिंतित है, जिन आतंकवादी समूहों के नेताओं और कमांडरों के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करने वाला है, जिनमें अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, फलाह शामिल है, ए इंसानियत फाउंडेशन और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट भी है। इस सब का जनसंख्या अब कम होने वाला है और जनसंख्या कम होने नहीं देने के कगार पे ये अपना चाची जो देख पा रहे होंगे, चाची भरपूर कोशिश करने में लगी हुई है। चाची के अंदर प्रोडक्शन कमी थोड़ी है। अरे आप भाई, आप लोग भी जानते होंगे, जिस चीज़ का खपत ज़्यादा होता है उस चीज़ का प्रोडक्शन भी उससे दुगुना होता है। समझिए, आतंकवादी का खपत जितना होगा उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी चाची करेंगी। टाइम्स ऑफ इसराइल में फेवियन बॉसर्ट ने अपने ब्लॉग में कहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद करना चाहिए कि पाकिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले आतंकवादी समूहों के नेताओं की जाँच और मुकदमा चलाने पर FATF का आग्रह अफगानिस्तान के भविष्य को प्रभावित करने में अपनी भूमिका के साथ संघर्ष नहीं करता है। पाकिस्तान कई आतंकवादी समूहों को पनाह दे रहा है जिन पर FATF मुकदमा चलाना और दंडित करना चाहता है। एक बार जब संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से उस देश से खुद को वापस ले लेता है तो वे युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति की वापसी में बाधा डालने वाले प्रमुख तत्व भी है। FATF ने पाकिस्तान से तीन कार्य को पूरा करने के लिए कहा है, जिसमें यह प्रदर्शित करना शामिल है कि आतंकवादी जांच और अभियोग को लक्षित व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से या नामित व्यक्तियों या संस्थाओं के निर्देश पर लक्षित करते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि आतंकवादी वित्त पोषण अभियोगों के प्रमाण स्वरूप प्रभावी आनुपातिक और प्रतिकूल प्रतिबंध और प्रदर्शन। ब्लॉगर ने कहा कि सभी 1267 और 1373 नामिक आतंकवादियों, विशेष रूप से उनकी ओर से या उनकी ओर से काम करने वालों के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन जरूरी है। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में बने रहने से दुर्भाग्यपूर्ण खुद ही है। बाकी आप इस पर आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।